अस्पताल में मरीजों के लिए कोई सुविधा नहीं दी जा रही और न ही हवा के लिए वार्ड में पंखा और कूलर लगा हुआ है, जिससे सैकड़ों मरीज गर्मी से परेशान हो रहे हैं। बता दें, अस्पताल के शिशु और महिला वार्ड में तकरीबन 300 मरीज भर्ती हैं और वार्ड में गर्मी से बचने के लिए कोई पंखा और कूलर की सुविधा भी नहीं है, जिसके चलते मरीजों को काफी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। रहता तो ठीक रहता, ज्यादा गर्मी लग रही है तो बच्चे के लिए भी तकलीफ और हम लोगों के लिए भी, तो पंखा रहता तो ज्यादा सुविधा होता। क्या करवाने आए हैं आप? हम लोग डिलीवरी के लिए आए। नहीं, कूलर की व्यवस्था करने के लिए बोला था, पर मुझे पता चला कि आज नहीं हो पाया था, तो उनको फिर मैंने प्रभारी को बोला भी कि आज किसी भी हालत में कूलर लगना है। मेरे ख्याल से शाम तक 3 कूलर, कम से कम 3 कूलर वहाँ पे लगाएंगे। तापमान में कुछ कमी आई थी, लेकिन 2 दिन के बाद फिर से एक बार राजस्थान की तरफ से, उत्तर भारत की तरफ से गर्म हवा आ रही है और उसके चलते यहाँ का तापमान बढ़ा हुआ है। कल दूसरी बार सीजन में अंबिकापुर का तापमान 43 डिग्री सेल्सियस पहुँचा है और आज भी संभावना है कि 40 के ऊपर ही तापमान रहने का है।